सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं अभी शाम के 4 बजे से कर रही हूँ और अभी मैं शादी से आ गई हूँ। बारात तो अभी वहीं पे है। मैं, हस्बैंड जी और गुन्नू हम पहले आ गए क्योंकि शाम को लेट हो जाएगी बारात आने में। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग पहले आ जाना क्योंकि गुन्नू को अंधेरे में नहीं लाते ना, और ऊपर से कहते हैं कि छोटे बच्चों को जो है बाजे बैंड वगैरह बजता है उसके साथ नहीं लाना चाहिए। तो इसलिए हम अभी गाड़ी से उतर के, वो पीछे हमने गाड़ी शायद आपको दिख रही होगी वहाँ पे गाड़ी पार्क की है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, हस्बैंड जी आगे से जा रहे हैं गुन्नू को गोद में लेके। गुन्नू दिख नहीं रहा है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ रास्ता कुछ ऐसा है क्योंकि ये जंगली है ना, नीचे को तो ऊपर को तो पूरा जंगल है, नीचे को अभी कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। ऐसे लोग चलते हैं तो खुद ही रास्ता बन गया है क्योंकि यहाँ को लोग अपने गाय भैंस बकरी सब लेके आते हैं चराने के लिए। तो हम भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। हस्बैंड जी बोल भी रहे थे यार कैसा रास्ता है गाँव का और घर इतने नीचे क्यों बनाया। अब उन्हें क्या पता ऊपर जंगल था पहले, अब जाके रोड आई है तो अब ये ऊपर को जो अच्छा लग रहा है और नीचे जो गांव लग रहा है। देखिए ये हस्बैंड जी रुक गए हैं। ये गुन्नू, हेलो हेलो बोलो बेटू, प्यारी कर दो सबको, सबको प्यारी कर दो। गुन्नू किसकी शादी में गए थे? मामू की शादी में। किसकी शादी में गए थे? मामू, बता दे। ये देखिए गाइस, सनसेट होने वाला है। हाँ हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ हाँ। वैसे सनसेट हो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे का लास्ट है क्योंकि यहाँ नीचे को धूप चली जाती है ना, अभी अब दूर दूर तक रहेगी, उधर को रहेगी, यहाँ को जाने वाली है। देखिएगा इस पूरे चीड़ के पेड़ है और कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे धूप चलेगी और सामने धूप है तो कुछ अलग ही व्यू लग रहा है। वो नीचे है गांव। बाप रे, चल चल के ना इतनी थकान हो गई है ना गाइस। और ये देखिए हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है। हाँ मतलब रोड से ना 2 किलोमीटर तो पैदल आ ही गए होंगे नीचे को, और दिखाती हूँ आपको गांव। यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो गया है। ये ऊपर चाची लोग का घर है और यहाँ देखिए पेड़ में माल्टा लगे और ये नींबू भी लगे और इधर जामेर वगैरह। अच्छे लोग तो कोई है नहीं घर में, सब बंद है ये उनकी। ये केले का पेड़ बहुत टाइम बाद दिखने को मिल रहा है। ये चाची लोगों का किचन, ये उनकी बिल्ली बैठी है, ये उनका भैंस है। और हमारे यहाँ पे गांव में ना एक बात अच्छी लगती है कि इंसान जहाँ रहता है और गाय भैंस के लिए अलग से बनता है। और कुछ कुछ लोग के यहाँ क्या होता है गांव में कि इंसान अंदर रहता है और गाय भैंस नीचे गोट में रहते हैं, वह हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। गाय भैंसों के लिए कुछ अलग सा ही बनता है जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। तो हम अभी जा ही रहे हैं। वैसे ये ठीक भी है क्योंकि ना घर में ही अंदर हम रह रहे हैं, नीचे जानवर रह रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा गंदगी क्या मतलब हाँ स्मेल से तो आती है गोबर वगैरह की, और इसलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगता है अपने गांव का ही। ये देखिए ये काफल का पेड़ और सामने धूप देख रहे हैं आप, इधर तो पूरी चलेगी है, सामने ही दिख रही है, अच्छी सी लग रही है धूप। तो हस्बैंड तो बहुत आगे चले जा रहे हैं और ये मैं भी जा रही हूँ। मैंने साड़ी ऊपर की हुई है, मैंने हील्स हाथ में पकड़ी हुई है और माचिस भी। देखिए मैंने हील्स भी हाथ में पकड़ी है और माचिस भी हाथ में रखी क्योंकि जितने गधेरे आ रहे हैं ना, हम गुन्नू को माचिस करके ही पार करा रहे हैं और हम माचिस कर रहे हैं यहाँ पे गुन्नू के लिए। तो माचिस जलाती हूँ। मैंने ऐसे पहना है, इस पर बैंगल्स और इस पर पौजी। घर जाके बता देना यार कुछ। हस्बैंड जी को ना लेट हो रहा है तो थक गए ना हाथ, सुबह से मैंने पकड़ के हाथ दर्द हो गया। एक बार और लेते हो इसको दिखाना, बुझ गया था। कौन है वो? कौन है वो?
हमने माचिस भी कर लिए और हम जा रहे हैं, क्योंकि ना ऊपर पेड़ों में बंदर भी आए हुए हैं। और अब शादी तो मैं आपको शामी को दिखाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाया, क्योंकि हल्का फुल्का मैंने वीडियो तो बनाई है लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे के साथ बिल्कुल हो ही नहीं पाया। मॉर्निंग में तो तैयार भी होना था, ऊपर से इतना ऊपर चढ़ाई आनी थी, तो पापा ने कहा जल्दी करो वरना बारात चली जाएगी। तो हम आ गए, ऊपर से मैं डांस करने में इतनी बिजी थी कि क्या बताऊँ, डांस बहुत किया और थकान भी बहुत हो गई यार। अब जा रहे हैं हम घर को। ये देखिए हमारे गांव का मैं फिसल गई थी पता है अभी। और ये देखिए दूसरा घर, ये भी ताईजी लोग का है, ये उनका किचन है, ये उनका आगे घर है। तो हम जा रहे हैं, नीचे हमारा घर दिख रहा है, नीचे चांदनी वगैरह दिख रही है आपको। वो देखिए जहाँ चांदनी लगी है नीचे, वो हमारे घर है, और ग्रीन वाला हमारा है। तो अब जा रहे हैं, देखिए मेरे पैर, मैं नेल पेंट भी नहीं लगाई पाई पता है, सुबह तिल्लोड़ साड़ी मैंने इतनी ऊपर की हुई और नंगे पाँव चल रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, पैर के नीचे जो चुपके हालत खराब हो गई है ना, क्या बताऊँ। पहुँच गई हूँ अपने घर के आसपास, ये मेरी चाची है जिनके बेटे की शादी थी। चाची रहता है क्या? रहता है क्या? मैं लेगी अरे मैं सब पूरी लेनी। अच्छा पूरी लेनी ना? हाँ टोटल। अच्छा काम करने, ये ग्वाड़ है यहाँ चाची लोग भैंस बांधते हैं, और ये हमारी ग्वाड़ है। हाँ। ये तो पूरी वो हो गई है, हमने इसमें छत ने डाली है ना, तो बस ऐसी यहाँ घास वास रखते हैं, ऐसा ही है। और क्या बोलते हैं, ये बांसे हैं, ये मेरी सबसे छोटी चाची का घर है, अभी तो यहाँ पे रहते नहीं है क्योंकि वो लोग कानपुर रहते हैं, तो ये उन्हीं का घर है। और ये हम आगे हैं, ये गेट, और ये हम कर रहे हैं एंटर। टप्पी कैसे बाबा? ये हमारा टप्पी, ये देखो कैसा कर रहा है, मर जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या? मुझे पकड़ने के लिए मम्मी कस रहा है, रताई कस रहा है, ठीक है। क्या लेडियो कर रहा है, चाय का कर रहा है? अच्छा मैं पूरी बेलनी ना, मिले अच्छा। चलो भाई हम आ गए हैं, हम जा रहे हैं अंदर। हम जा रहे हैं अंदर को, मम्मी बना रही है गुन्नू के लिए दूध। और ये हम आ गए अंदर, कपड़े गंदे करेगा सुबह की तरह। हाँ तो इसको चलो कपड़े चेंज करती हूँ भाई। ये देखिए बारात घर पहुँच चुकी है, ये दूल्हा दुल्हन, काफी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की, ये चाची मम्मी ताई सभी लोग अब इनकी नज़र उतारेंगे और इनको अक्षत परखेंगे। अक्षत परखने और नज़र उतारने में फैमिली के ही मेम्बर्स होते हैं, परिवार के जैसे चाची ताई, या तो ये तीन होते हैं, पांच होते हैं, सात ऐसे होते हैं, और इवन में नहीं होते शायद, इतना मुझे पता है। और आगे सब नज़र उतारेंगे इनकी, और देखिए सारे गाँव वाले भी बारात को इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी, ये मेरे बड़े भैया भाभी, इन दोनों की भी काफ़ी अच्छी जोड़ी है, ये दूल्हे की मम्मी, मेरी चाची। अब दुल्हन तो काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पे, और ये लोटे के पानी से अब इनकी नज़र भी उतारेंगे, उतारने लग गए नज़र। और अक्षत भी परख रहे हैं, और काफ़ी हल्ला हो रहा है पीछे से, आप लोग को मेरी आवाज़ कमी आ रही होगी। सभी लोग नजर उतार रहे हैं और अक्षत पर रख रहे हैं, ये मेरी बड़ी भाभी। बहुत सुंदर लग रही है, हम पहले पहुंच गए थे, हमारे घर पहुंचने के एक दो घंटे बाद ही बारात भी घर पहुंच गई, हम थोड़ा पहले आ गए थे, ऐसे मैंने आपको बताया कि हम गुन्नू की जैसे पहले आ गए थे घर पे, क्योंकि बारात तो रात में पहुंची है अभी। और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग अक्षत पर रख रहे हैं।
मम्मी लोग सभी लोग काफी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर से। पिछड़ा हमारा कमाने के थोड़ा डाला है, इससे तो सुंदरता काफी बढ़ जाती है। और लागो